सुपरस्टार प्रभास और डायरेक्टर प्रशांत नील की जोरदार जोड़ी का जलवा लगातार बरकरार है। इनकी फिल्म सलार सर्दी में जनता को एक्शन की भरपूर गर्मी दे रही है। सलार को क्रिटिक्स से तो बेहतरीन रिव्यू मिले ही हैं। फिल्म देखकर लौटे दर्शक भी इसकी खूब तारीफ कर रहे। पिछली कुछ फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर ठंडे चल रहे प्रभास ने सलार से एक बार फिर अपने स्टारडम का कद ऊंचा कर लिया है। पहले ही दिन से धुआंधार कमाई कर रही इस फिल्म ने फर्स्ट वीक में ही 300 करोड़ से ज्यादा नेट इंडिया कलेक्शन अपने नाम कर लिया। फिल्म को दूसरे वीकेंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जबरदस्त फायदा मिल गया। शुक्रवार को 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन करने वाली सलार ने शनिवार को सॉलिड जंप लिया। 9वें दिन फिल्म की कमाई 12 करोड़ रही। 31 दिसंबर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन मोड में आई जनता ने सलार खूब देखी और फिल्म की कमाई जंप लेकर 15 करोड़ तक पहुंच गई। शुक्रवार के मुकाबले रविवार को प्रभास की फिल्म को 40% से ज्यादा जंप मिला, मगर इससे भी बड़ा कमाल तो सोमवार को हुआ। आपको बता दें, सैक निल की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का दूसरा सोमवार बॉक्स ऑफिस पर करीब 15 करोड़ नेट कलेक्शन लेकर आया। अब 11 दिन में प्रभास की फिल्म इंडिया में 360 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है। आपको बता दें कि पहले हफ्ते में सलार ने हिंदी वर्जन से 92 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था। दूसरे वीकेंड में फिल्म की हिंदी वर्जन से कमाई लगातार बढ़ती रही। शुक्रवार को 6 करोड़, शनिवार को 7 करोड़ और रविवार को 9 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ हिंदी में भी सलार की दमदार कमाई जारी रही। सोमवार के कलेक्शन में फिल्म के हिंदी वर्जन का हिस्सा लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही हिंदी में प्रभास की फिल्म ने 125 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर डाला। आने वाले 2 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं होगी और इससे सलार को कमाई का तगड़ा मौका मिलेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि पोंगल संक्रांति वाले वीकेंड पर आ रही फिल्मों की बाढ़ से पहले प्रभास की सलार बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।